मुझे लगभग जितने मैंने कनेडियन स्कूल्स में अप्लाई किया था उसमें स्कॉलरशिप मिल गई थी। ओवरऑल आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे? अगर इन द हिस्ट्री, इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, वुड यू स्टिल प्रेफर एमबीए इन यूएस और यू हैप्पी विद एमबीए इन कनाडा? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। दिस इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो हे गाइस, सो फार वी नो दैट इंजीनियरिंग के बाद जब हम अपनी 9 to 5 जॉब से बोर हो जाते हैं, विच इज मेनली लाइक 12 आवर शिफ्ट एवरी डे, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बैंगलोर हैदराबाद, दे हैवंट सीन सनसेट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इस सिनेरियो में वी हैव टू ऑप्शंस, नंबर वन स्टार्टअप, नंबर टू एन एमबीए. एंड स्टार्टअप इज अ टफ चॉइस बिकॉज हमें पता है फिर बाद में बाप लड़की नहीं देता है, एंड फॉर वेरियस अदर रीजन एमबीए इज प्रेफर्ड. सो दैट्स वाई इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कंट्री टू डू यू एमबीए, बिकॉज हमें पता है यूएस एंड कैनेडा हैव द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स. बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर स्किल शेयर, बिकॉज मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं हाउ आर यू एबल टू मेक सच कूल शॉट्स विद योर आईफोन, आपने मतलब सिनेमाटोग्राफी आईफोन से कैसे सीखी. एंड द सीक्रेट इज स्किल शेयर, बिकॉज आपको पता है दैट आई ऑलवेज कैरी मूवमेंट लेंस एंड आई ऑल्सो लर्न फिल्म मेकिंग विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट कोर्स ऑन स्किल शेयर. यूट्यूब पर तो हमें कोई भी सिखा सकता है, बट ऑन स्किल शेयर प्रोफेशनल टीचर कोर्सेज लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, एनिमेशन एंड स्पेशली लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड फ्रीलांसिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड मैनेजर. So definitely try it out, and if you are the first 1000 subscriber then you will be given free 2 month trial, and if you don't like it after 2 months you definitely have the option to cancel before paying a single penny. So definitely try it out. So hi guys, I want to introduce Jivesh, who finished his MBA in University of British Columbia Vancouver in Canada, and he will be sharing his journey, why didn't he choose US, because US sabko pata like has the best MBA school all over the world, and why you chose Canada and aapki journey kaisi thi. Hello everyone, I'm Jivesh. I've been working as a product manager for multiple startups in Vancouver and in San Francisco, and I come from New Delhi. I was born and raised in New Delhi, house khas pe bada hua. Schooling Vasant Vihar mein hui, went to Amity University, Noida, and then worked in Bangalore for a bit, worked in Europe and Copenhagen, and finally came to Vancouver, beautiful British Columbia as they say, and now I'm just working as a professional here. Yeah, that's my favorite city as well. मतलब मुझे, मैंने पूरा नॉर्थ अमेरिका देख लिया ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कैलिफोर्निया, पर अब तक मेरी फेवरेट सिटी वैंकूवर है. एंड यू माइट नॉट नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इज लाइक टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स ऑफ कनाडा. तो सबसे पहले आपने मतलब यूएस क्यों नहीं चूज किया एंड व्हाई यू चूज कनाडा? आई विल बी वेरी वेरी कैंडिड, वेरी वेरी ऑनेस्ट. यूएस बी स्कूल्स वर माय फर्स्ट चॉइस, बट द बिग चैलेंज वाज जो आपका ट्यूशन फी है ऑफ द यूएस एमबीए स्कूल्स इज इन the range of around 200 to 250,000 US dollars. Hum baat kar rahe hain 1.5 crore rupees ki. So that felt like a big amount to me. Coming from middle class family in India, my father is a government employee. So I was looking at other options where I could have an affordable MBA. And Canada, Australia had some very good options. Europe had some very good options, but Europe mein language is a barrier. आप जिस कंट्री में जाते हो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज होती है और उसमें यू नीड टू बी रियली गुड इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर इन अ बिजनेस जॉब बेसिकली. और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस, सारी यूएसई कंपनीज कनाडा में भी हैं, सो इट्स मच मोर इजियर. एंड ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, रॉटमैन यूनिवर्सिटी टोरंटो, शोलेक, रिचर्ड आईवी, क्वींस, यूबीसी, शोलेक यॉर्क यूनिवर्सिटी, दीज आर सम ऑफ द टॉप स्कूल्स. I primarily chose UBC just for the fact that I got a scholarship here. So it made my choice a bit easier. Plus, Vancouver was the only city in Canada jahan pe snow almost zero hai. So that was a very big decision for me, decision making factor for me. Also, I think just imagine aap ek aisi city mein reh rahe ho jahan pe aap uthte ho and you see mountains, you see beach, and then you see greenery. I mean, there are very few cities in the world jahan pe aapko ye लग्जरी मिलती है, I would say. And being on the west coast, बहुत relaxed, बहुत chill, बहुत ही nature के साथ आप रहते हो. So I think all these factors together made me choose Canada and especially UBC. Again, if you can get good scholarships, or a lot of USB schools offer scholarships. तो अगर आप scholarship secure कर पाते हो, heads down always prefer US MBA schools. The opportunities are much, much, much more in the US. And normal fact, because companies are there, big tech companies are there, big banks are there,
lot of opportunities compared to the rest of the world. So I completely agree to your point. फिर भी हर स्टूडेंट ये सोचता है कि यूएस में वर्क परमिट सिर्फ एक साल का मिलता है, एक साल के बाद पता नहीं आपको यूएस से इंडिया वापस जाना पड़ेगा या फिर यूरोप कैनेडा में जॉब ढूंढनी पड़ेगी या फिर यहाँ पे मतलब जो मैंने पिछली सीरीज ऑफ एमबीए इन यूएस वीडियोस की हैं उसमें मतलब बच्चों ने कहा है कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है कंपनी इज विलिंग टू रीएलोकेट यू ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इतनी बड़ी हर्डल नहीं होती. पर एक मूव होना, एक सिक्योरिटी जो कनाडा में आपको मिलती है दैट इज इनक्रेडिबल, क्योंकि आपको पीआर मिल जाती है. फिर भी आपको क्यों लगता है कि यूएस इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर्ड टू कनाडा? सो आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाटएवर यू सेड हनु, मतलब कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता उस फैक्ट को. बट आई थिंक डिफरेंस कहां आ जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में. तो यूएस में आपको ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी, कंपनी स्पॉन्सर कर देगी, यू विल हैव H1B फॉर 6 years. बट व्हेन देयर आर ग्लोबल लीडर्स लाइक ट्रंप, जो मतलब हु आर वेरी पैशनेट, अपनी कंट्री के लिए बहुत सपोर्टिव है, बट कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप यू कैन बी आस्क्ड टू लीव होम, गो बैक होम. तो एक आपकी लाइफ पूरी आप यहाँ पे यूज टू होते हैं, एक लाइफ स्टाइल होती है, आप गाड़ी खरीदी, फैमिली हो रही है, आपके फ्रेंड्स हो गए, ऑल ऑफ अ सडन आपको इंडिया मूव बैक करना पड़े, तो एक थोड़ी सी सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी है. बट अगेन एज यू मैंशन 90% लोग तो सेफ है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं, दे मेक श्योर कि हमारे बंदों को कुछ ना हो, यू आर सिक्योर. वेयर इज इन कनाडा आई वुड से जो थोड़े से रिस्क एवर्स होते हैं, जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते वो कनाडा जाते हैं, क्योंकि कनाडा गिव्स यू दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आपके पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं, उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है, आपको पता है कि आप 5 साल में सिटीजन बन जाओगे. वेयर इज इन यूएस लोग 20-25 साल तक ग्रीन कार्ड के लिए वेट करते रह जाते हैं. तो आई थिंक इट डिपेंड्स टू कितना आप रिस्क लेना चाहते हो. बट आपको ऐसा फील हुआ कि आपने एमबीए कनाडा में की, आपको लगा कि जो आपकी एमबीए कनाडा की है उसकी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू एमबीए इन यूएस? क्योंकि लाइक कहा जाता है कि एवरेज यूनिवर्सिटी इन यूएस इज बेटर देन एवरेज यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर टॉप यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करती. आप भी टॉप की हो और यूएस भी टॉप का है. आई वुड आपने दुखती नब पे हाथ रख दिया. आई मीन यस, ये सच है कि आप यूएस के एवरेज स्कूल से भी पास आउट होते हो, ग्रेजुएट करते हो, तो योर अपॉर्चुनिटीज are as good as you are graduating from a top school in Canada. This is my opinion, personal opinion. आप किसी normal state university से पढ़ते हो, top global companies come and hire you. Canada में despite studying from top B school, not many companies come to your campus. तो वो MBA में एक तरह से मैं कह सकता हूँ उतना impact नहीं रहता in terms of sellability of you as a candidate, but in terms of education and quality of education, I would say वहां मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगता. बट हाँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज जैसे अमेजोन आके एक सियाटल स्टेट यूनिवर्सिटी से बच्चों को उठाकर लेके जाता है, यूबीसी नहीं आता अमेजोन. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? आप जाते हो, यू आर ट्राइंग टू. एंड एक और चीज है कनाडा में, दैट एम्प्लॉयर्स आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर प्रायर एक्सपीरियंस विच इज आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका. वो उतनी वैल्यू नहीं देते उसको. वेयर इज इन यूएस, अगर आपकी एमबीए स्टूडेंट हो तो आपकी एमबीए डिग्री को देखते हैं, आपका प्रायर एक्सपीरियंस भी वैल्यू करता है, बट इतना वैल्यू नहीं करता. योर एजुकेशन इज व्हाट दे फर्स्ट लुक एट, उसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, 5 years सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, एन एमबीए फ्रॉम टॉप 50 बी स्कूल इन यूएस को एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर अमेजोन में जॉब मिल जाएगी. बट एक सेम बंदा 5 साल एक्सपीरियंस यूबीसी एमबीए और रॉकमैन एमबीए, गेटिंग अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर जॉब एट अमेजोन इन कनाडा माइट बी चैलेंजिंग. Might be challenging. It's not easy in US also. I mean, मैं ये नहीं कह रहा easy है. Comparatively, it is difficult. It is difficult, more difficult in Canada. Wow, that clearly shows कि अगर आप average university US की choose करो, even though you will be paying like $2 lakh, but उसकी value ज़्यादा है. तो अब ये बात करते हैं in terms of ROI in money. I would say in terms of ROI in money, but skills में नहीं कहूँगा. Skills में average से तो बहुत अच्छे हैं Canadian top universities. Wow. So now let's move on to MBA in Canada. तो आप बताना कितना फर्क है, जैसे कि US में around 5 years of experience चाहिए होता है, तो Canada में कितनी GMAT score चाहिए होता है, कितना years of experience चाहिए होता है? I would say average experience 3-5 साल रहता है ज़्यादातर MBA schools में, चाहे आप UFT की बात करो, चाहे IB की बात करो, चाहे UBC की बात करो. I have seen candidates with a little close to 2 years experience, plus minus few months. वो भी आ जाते हैं, बट दे आर ब्रिलियंट वर्क एक्सपीरियंस जो उनके पास होता है, एंड अ वेरी हाई जीमैट स्कोर. आई वुड से जीमैट स्कोर कॉलेजेस वेरी फ्लेक्सिबल रहते हैं. एवरेज जीमैट स्कोर इन कैनेडियन बी स्कूल्स इज कंपैरेटिवली लोअर देन एवरेज जीमैट स्कोर फॉर टॉप यूएस स्कूल्स. तो आई वुड से यहाँ पे इफ यू हैव अ 650 के अराउंड का जीमैट स्कोर, यू हैव अ फेयर चांस. बट आप यूएस में टॉप 20 या टॉप 10 बी स्कूल्स में
650 पे आई डोंट थिंक यू स्टैंड अ चांस. होते हैं, देयर आर पीपल हु आर सो अगेन अलोन जीमैट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग फैक्टर. जीमैट, योर क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर वॉलंटरी एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. डेफिनेटली द कॉम्पिटिशन इन कैनेडा इज अ लिटिल आई वुड से लेस कंपेयर्ड टू टॉप यूएसपी स्कूल्स. गॉट इट. तो अब फाइनली योर स्कॉलरशिप जर्नी, आपको स्कॉलरशिप कैनेडा में कैसे मिली? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे लगभग जितने मैंने कैनेडियन स्कूल्स में अप्लाई किया था उसमें स्कॉलरशिप मिल गई थी. एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत लेट आई थी. मेरे पास ऑलरेडी इंडियन बी स्कूल्स के ऑफर्स आ गए थे. आई डिडंट क्वालिफाई आईएम अहमदाबाद और आईएसबी, बट आई हैड अदर टॉप 20 गुड बी स्कूल्स जो कैट से आते हैं. तो मैं ऑलमोस्ट दो कॉलेजेस की तो फीस भी पे कर चुका था, जो पहली शायद $1,00,000 की होती है कॉन्फर्मेशन सीट कॉन्फर्मेशन फीस, मैंने दो जगह पे कर दी थी. पे कर दी थी एंड उन्होंने कहा था कि वो रिफंड कर देंगे, लाइक 20 डेज की विंडो थी कुछ. और मैं वेट कर रहा था कैनेडियन बी स्कूल्स की. यूबीसी हुआ, मैकमास्टर हुआ, यूनिवर्सिटी अल्बर्टा हुई, शुलिक, ये सारे थे जो भी टॉप स्कूल्स हैं. तो सबसे ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पॉन्स आया था. यूबीसी आई थिंक वॉज अ मोर वैल्यू फॉर मनी. एंड अगेन एज आई मेंशन, वैंकूवर एज अ सिटी वॉज अ बिग, कहते हैं ना सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया उसने, तो वो रीजन था. ओके, और कितनी स्कॉलरशिप मिली, मतलब कितना खर्चा एवरेज होता है? आई थिंक यहाँ पे यूबीसी में स्पेशली दो स्कॉलरशिप मिलती है, दो तीन टाइप्स की. एक होती है डीन स्कॉलरशिप, वो एक 100% एक या दो बच्चों को मिलती है मुश्किल से, 50% होती है वो एक या दो को मिलती है. और टैलेंट अवार्ड्स होते हैं, टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में किसी ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. आई मीन वेबसाइट्स पर सब लिखा हुआ है, बट आई थिंक दीज आर द थ्री मेजर कैटेगरीज. तो आई हैड गॉट अ टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर द मोस्ट वैल्यूएबल इनकमिंग कैंडिडेट, एमबीए कैंडिडेट, ऐसा कुछ नाम था उसका, मुझे याद नहीं. तो दैट वाज अराउंड 25% ऑफ माय ट्यूशन, व्हिच वाज स्टिल अ लॉट बिकॉज यूबीसी की फीस इज वेरी लो कंपेयर टू अराउंड $80,000. तो आप सोचो $80,000 एंड आप यूएस के एवरेज बी स्कूल को लेते हो, दैट इज 200 US, व्हिच इज अराउंड 260 Canadian, दैट्स लाइक 3 times. तो इट्स अ नो ब्रेनर, राइट? अगर आपके पास पैसा है तो लाइक इट्स वो सिचुएशन है कि इफ यू हैव 20 lakhs यू माइट बाय अ होंडा अकॉर्ड इन इंडिया ब्रांड न्यू. अगर आपके पास 10 lakh है यू माइट गो फॉर अ होंडा सिटी. तो वैसा है, दोनों अच्छे हैं. थोड़ा ज्यादा तो मिलता ही है, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट हाउ मच यू वांट टू स्पेंड. एब्सोल्युटली. तो आपको स्कॉलरशिप के बाद कितना खर्चा पड़ा? जीरो. आई कैप तो अभी मैंने कभी रखा नहीं, बट ये था कि एज अ स्टूडेंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो $1,500 से कम हो कैनेडियन. तो उसमें रेंट, ट्रैवल, कम्यूट, फूड, बिल्स, फोन वगैरह सब कुछ मिला के आई थिंक 1500 में मैनेज कर लेता था. आज एज अ बैचलर, अब तो मैं मैरिड हो गया, लेकिन लास्ट ईयर तक भी आई वॉज एबल टू मैनेज विद 2500. तो आई थिंक रेंट जो था वो बड़ा डिफरेंस हुआ. मैं एज अ स्टूडेंट गया था, मुझे याद है मैं अपर बेसमेंट में रहता था पहले. उसके बाद मैं ग्राउंड लेवल पे आया, अब मैं एक हाई राइज में रहता हूँ. तो बट आई थिंक $1,500 $1,200 to $1,500 पर मंथ, दैट मेक्स अराउंड $20,000 फॉर एमबीए फॉर लिविंग. हमारे टाइम पे फीस और कम थी शायद, आई थिंक इट वॉज $65,000, 80 अभी है. तो 65 में मुझे 25% स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो $50,000 फीस थी, $20,000 और लगे, $70,000 आई वुड से टोटल एमबीए में कॉस्ट लगा. सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान रखनी चाहिए कि यूबीसी एमबीए इज अ 16-month एमबीए. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस एमबीए इज लोअर और कंपेयर टू जहां पे 24 months का प्रोग्राम होता है. सो आप जॉब मार्केट से 24 months बाहर रहते हैं, यहाँ पे आप 8 months एक्स्ट्रा जॉब मार्केट में जॉब अर्न करेंगे और अपनी पुरानी जॉब में जो पैसे खोए हैं वो नहीं खोएंगे. सो आई थिंक ऑल्सो यूबीसी हैज अ 4-month इंटर्नशिप आफ्टर द फर्स्ट 8 months ऑफ द प्रोग्राम. So the summer of the next year, you do go for an internship. Usme I think average internship mein students 4 to 6,000 ke kareeb per month earn karte hain, which is around 16,000 se 24,000. So if you see, your total cost for MBA, the 16 months, is actually around $50,000. If you do the complete math and if you're being very logical. Obviously, aap UBC ki website pe jayenge and universities ke, wo dikhate hain ki living cost $50,000 hai, 16 mahine ka. Kyunki wo aapko apne हॉस्टल्स में रुकवाते हैं, विच इज लाइक $2,000 $1,500. खाना वहाँ पे अलग से $500 का होता है, सब कुछ एक्स्ट्रा होता है. तो इफ यू लिव एज अ ऑफ कैंपस स्टूडेंट आप बहुत पैसे सेव कर लेते हैं. इन रुपीज अगर देखा जाए तो आपको, आपने बताया $17,000 वन ईयर की फीस थी, तो हाँ आई वुड से इंडियन रुपीज में देखा जाए तो पूरा अगर एमबीए का कॉस्ट देखा जाए जो मेरे घर से पैसे गए इंटर्नशिप के पैसे जोड़ के, आई थिंक अराउंड 30 लाख रुपीज.
विच इज वेरी गुड, क्योंकि आप इंडिया में किसी भी टॉप 20 स्कूल से करते हैं MBA, इट इज अराउंड 25-30 lakhs. सो आई गॉट, फॉर मी आई गॉट इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई एम वर्किंग इन नॉर्थ अमेरिका, आई गॉट टू इंटरेक्ट विद अ वेरी डाइवर्स क्लास. मेरे यहाँ पे 27 प्लस नेशनैलिटीज के आई थिंक बच्चे थे, एंड द क्लास साइज वॉज ओनली 100, जबकि इंडिया में MBA स्कूल्स के क्लास साइज बहुत बड़े होते हैं. तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल, आई वॉज वेरी हैप्पी. जो जो मुझे चाहिए था, मुझे वो इंडिया में जो मिलता उससे कम पैसों में उससे ज्यादा वैल्यू मिली. सो क्या बात है, मुझे अब लग रहा है कि MBA इन कैनेडा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट लेट्स कंपेयर कि जितना पे कर रहे हो, लाइक फॉर एवरी डॉलर यू पेइंग, हाउ मच रिटर्न यू गेटिंग. तो आप बताना कितनी सैलरी मिल जाती है एवरेज, स्कोप क्या है. Yeah, that's a very, very good question, Hardur. क्योंकि आप जब, मैं जब स्टूडेंट था, मैंने कंपनी कॉलेज वेबसाइट देखी, उन्होंने कहा अराउंड 75,000 या 80,000 डॉलर इज द एवरेज दैट MBA मेक्स आफ्टर, MBA ग्रेड मेक्स आफ्टर द MBA, विच मे बी वॉज एन ओल्ड डेटा, क्योंकि वो 2015 का डेटा था. आज की डेट में जब मेरा बैच ग्रेजुएट हुआ, तो आई वुड से 70 तो मिला ही था लोगों को जिनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था और जो लोग स्विच कर रहे थे. एक चीज ये भी मैटर करती है कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है. अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है और आप प्रोडक्ट मैनेजर बन रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हो नए स्किल सेट से, तो आप ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हो. बट मान लो आपने 5 साल इंजीनियरिंग करी, अब नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू मूविंग टू फाइनेंस, तो आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इज नॉट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो आप एक न्यू कमर की तरह स्टार्ट करते हैं, फ्रेशर की तरह स्टार्ट करते हैं इन फाइनेंस, तो उन लोगों की सैलरी थोड़ी कम होती है. बट ओवरऑल आई वुड से 70 to 120 is what I know people were making. And within 3 years of the MBA, there are many students who are making 150 ke aaspaas in Canada. Not a lot, some, but 100,000 on an average sub make karte hain, which is way lower compared to US ka MBA. US mein, I think masters karne pe bhi bachcho ki shayad 90,000, 100,000 ki to job lagti hi lagti hai. That is also US. 100,000 to matlab aam baat hai, New York, California mein 100,000 is like poverty line, kuch log kehte hain. I agree. Again, aapko ye bhi dekhna hai ki Vancouver is not like San Francisco. San Francisco mein ek bedroom ka condo is like $4,000. Yahan pe ek bedroom downtown mein you can get for $2,000. So cost of living is high in Vancouver compared to other Canadian cities, but equivalent to Toronto and lower than San Francisco or Seattle, I would say. So I would say all in all, ROI is very high. बट अगेन, अगर आप कंपेयर करो कि नहीं, एक यूएस के NYU से कोई बच्चा पढ़ के या UCLA से पढ़ के ही इज मेकिंग 220,000 एट Amazon इन शिकागो या फिर कैलिफोर्निया में कहीं, तो वैसा कनाडा में नहीं मिल पा, नहीं सुना है मैंने. फर्क क्या होगा, $80,000 या ऊपर कमाओगे, आपके पास क्या, मतलब वही सेम होंडा सिटी की जगह और आ जाएगी. जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होगा आपकी लाइफ स्टाइल. आई एग्री. और फिर क्या होता है ना, एक और चीज जो लोग भूल जाते हैं कि जितने ज्यादा आपका सैलरी होता है उतना ज्यादा आपका टैक्स ब्रैकेट ज्यादा हो जाता है, राइट. तो आई थिंक बेस सैलरी इतनी बुरी नहीं है कनाडा में कंपेयर टू यूएस. ऑब्वियसली लोअर है इफ यू कंपेयर टॉप टियर सिटीज लाइक सिएटल एंड सैन फ्रांसिस्को, बट आप दूसरी सिटीज से कंपेयर करो, वैंकूवर इज वेरी वेल पेइंग अलॉन्ग विद टोरंटो. टोरंटो एंड वैंकूवर आर वेरी गुड सिटीज, आई वुड से. Yep. And also one more important thing जो बोलनी नहीं चाहिए कि loan approval, loan कैसे कोई approve करेगा 1.5 crore रुपए का. Actually funny thing है कि simple logic मैं आपको अपनी research से बताता हूँ. India में simple logic है, आपके पास कोई property होनी चाहिए जिसका price let's say X dollars है, तो 0.6X dollars का आपको loan मिलेगा. तो अगर आपको for example 1 crore का loan चाहिए, या मान लो आपके पास 1 crore की प्रॉपर्टी है, तो आपको 60 lakhs का लोन अप्रूव हो जाएगा बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से. प्राइवेट बैंक का मुझे पता नहीं, बट उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं. ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडिजी फाइनेंस, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ देम. वो उनका कुछ स्कूल्स के साथ टाइप है, तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन देते हैं. तो मैंने तो प्रोडिजी फाइनेंस से लोन लिया था फाइनली, बट इन लाइक सब कुछ देखा जाए और टोटैलिटी में तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करते, सिंपली मुझे जो पैसा चाहिए था इमीडिएटली मुझे दे दिया. But I think overall, not a bad deal. For someone जिसको education चाहिए, property या asset वो mortgage में नहीं कर रखना चाहते, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि you approach lenders like Prodigy Finance and they'll help you sponsor your journey. By the way, by using the link in the description below, you can get commitment-free loan quote for your MBA in just few minutes. Also, Prodigy Finance sanction letter is also free of cost, so definitely try it out, especially in these difficult times. Overall, आप क्या conclude करना चाहोगे? अगर in the history, if you go back to history, would you still prefer MBA in US or are you happy with MBA in Canada? बहुत ही मुश्किल question पूछा आपने. This is like very very difficult question. I would say if I have the top 10 or top 20 US MBA schools like Harvard, Stanford, Wharton, Kellogg's, NYU, UCLA, Duke, तो मैं आँख मूंद के वहाँ जाऊँगा.
बट कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, मैं आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देम, बट सैन होजे हुई या सियाटल स्टेट हुई या वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी हुई, तो इन सब स्टेट यूनिवर्सिटीज की जगह मैं कैनेडियन टॉप स्कूल्स को प्रेफर करूँगा. एंड आई थिंक डाउन द लाइन इफ यू टैलेंटेड एंड इफ यू डिटर्मिंड एंड डेडिकेटेड यू कैन एक्सट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ सक्सेस विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज, बोथ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वही अमेजॉन ऑफ कैनेडा भी आ रही है. वैंकूवर में अमेजॉन इज हायरिंग लाइक क्रेजी, एप्पल इज ओपनिंग देयर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हैव एक्सपैंड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो वहाँ 220 होगी, यहाँ पे 150-160 होगी, बट योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वुड बी इक्विवेलेंट आई वुड से. तो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट एंड रियली कहते हैं ना कि आपने उठा लिया, फायदा उठा लिया, लाइक लिटरली सब कुछ निचोड़ लिया. I think you will be able to do that with a top MBA in Canada as well, along with a bonus of security and peace of mind, जो आपको US में नहीं मिलेगा. वो पैसे जो extra dollars मिलेंगे वो compete नहीं कर सकते. जो आपको security, peace of mind मिलता है, 3 साल का work permit मिलता है after doing a Canadian MBA, वो नहीं match कर पाएगा कोई. भाई इतनी headache होती है ना, लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं फिर भी green card नहीं मिलता. नहीं मिलता, ये तो है. Yeah. मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. वो है पैसे कमा रहे हैं, दे आर हैप्पी, बट दे आर नॉट श्योर कि कब तक वो यहाँ रहेंगे. वो अभी भी घर नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं कहीं 4 साल बाद जाने को कह रहे. कनाडा में अपनी लाइफ लॉन्ग टर्म और आप रिटायरमेंट अपनी पूरी लाइफ, यू कैन मेक वैंकूवर होम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू मेक एनी सिटी इन US होम. आप रह सकते हो वहाँ पर, उसको अपना घर नहीं बना सकते. That is true. That's absolutely agree. So thank you so much, Jibesh, for sharing your knowledge. It was a pleasure having you here. It was a pleasure talking to you, Harnur. Keep doing the great work and look forward to seeing your new videos. Thank you. Sure. Yeah. And we will be doing another video with you right now. And so definitely check it out on Jibesh's channel. Thank you so much. He has inspired me to get active on my channel.